ओके बेटा, इट इज अ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स विद सिथेट आयन्स। व्हेन वी रिएक्ट विद एल्डिहाइड द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर। अगर बेटा हम अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन के कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाते हैं सिथेट आयन्स में एल्डिहाइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है सर? हमें कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ऐसा क्या है सर? दैट इज बेटा, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं सर, रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं? एल्डिहाइड की। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर? एल्डिहाइड की। दैट इज कार्बोनिल ग्रुप होगा, साथ में क्या होगा सर? हाइड्रोजन होगा, साथ में क्या होगा? कार्बन होगा। किसके का साथ करवा रहे हैं सर? हम करवा रहे हैं कॉपर सिट्रेट आयन के साथ। क्या मुझे कोई बता सकता है कॉपर सिट्रेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉपर सिट्रेट? सिट्रेट आयन कौन सा होता है बेटा? कोई भी बच्चा? ध्यान से देखो बेटा, कॉपर सिट्रेट क्या होता है सर? हमारे पास Cu3 C6H5O7 all raised to the power 2, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कॉपर सिट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर सिट्रेट आयन कहते हैं। जिसकी रिएक्शन करवाते हैं सर हम एल्डिहाइड पे, रिएक्शन करने पे क्या देता है सर हमें? एक तो कार्बोक्सिलेट आयन देता है, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ नेगेटिव, और साथ में क्या है सर हमारे पास? कार्बन। और साथ में क्या देता है बेटा? साथ में हमारे पास क्या बनता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है सर। क्या बनता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। दैट मीन्स एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है सर। एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स के अंदर। एल्डिहाइड इज कन्वर्टिंग इन टू कार्बोक्सिलेट ग्रुप ड्यू टू कॉपर सिट्रेट आयन। अच्छा सर, ये ऐसा क्या होता है इसके अंदर? ये क्या होता है बेटा? कॉपर सिट्रेट आयन क्या होता है सर? कॉपर सिट्रेट आयन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर। दैट इज यहाँ पे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सर, एंड दैट इज, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट भी कहते हैं। तो जैसे ही बेटा हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ, तो कुछ ऐसा होता है कि सर हम अबाउट 2 cm³ ऑफ टेस्ट सोल्यूशन लिया हमने। किसका सर? ग्लूकोज का। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H12O6। यही फॉर्मूला होता है क्या ग्लूकोज का? Yes सर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो यही होता है सर। ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज के ग्लूकोज डाला हमने कितना सर? अप्रोक्सीमेटली 2 cm³। एड एन इक्वल अमाउंट ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या सर? इक्वल अमाउंट ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आपको अभी-अभी बताया मैंने, दैट इज यहां पे क्या सर? हमने कॉपर सिट्रेट डाला हुआ है। हीट इन वाटर बोथ। अच्छा, इसके बाद क्या किया सर? वाटर डाला। वाटर की बात के अंदर हमने क्या किया सर? इसको डाल दिया। अच्छा, वाटर बात हमने उसके अंदर क्या करा था सर? फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के अंदर हमने किसको लिया था? इसके अंदर हम वाटर का यूज कर रहे हैं। फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर किसको लिया था? किसी को याद है? NaOH। वेरी गुड बेटा, मुस्कान का आंसर आया। किसको लिया था सर? NaOH को। NaOH को किस लिए लिया था सर? ड्यू टू अल्कलाइन मीडियम। क्या बनाना था सर हमें? अल्कलाइन मीडियम बनाना था। यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं बेटा? वॉटर बाथ, दैट इज H2O को ले रहे हैं। H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सर। H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हम H2O के अंदर डालते हैं सर, इसे कौन से वो H2O के अंदर? गर्म H2O के अंदर। किसको सर? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। तो ये कैसे कलर का हो जाता है सर? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बना लेता है। अच्छा, हमारे पास दो प्रोडक्ट आए हैं सर। एक तो प्रोडक्ट आया हमारे पास कौन सा? कार्बोक्सिलेट आयन। एक तो हमारे पास प्रोडक्ट आया कार्बोक्सिलेट आयन, और दूसरा जो प्रोडक्ट आया बेटा वो आया हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड। इनके अंदर से ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट कौन सा होगा? इनके अंदर से प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा या क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा?
जल्दी बताओ बेटा। CO2 क्या बनाएगा सर? क्यूप्रिक ऑक्साइड। सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। यहाँ पे क्या बन रहा है सर? हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएंगे सर? अलग हो जाएंगे। अगर हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है, अगर मैंने पूछा हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है, दैट मीन्स क्यूप्रिक सिट्रेट क्या कर रहा है सर? क्यूप्रिक सिट्रेट क्या कर रहा है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एल्डिहाइड को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। और कलर क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। क्या सर क्यूप्रिक सिट्रेट कीटोन्स को भी ब्रिक रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर सकता है? कीटोन को भी कन्वर्ट कर सकता है क्या बेटा? नहीं बेटा, ये किसके लिए होता है सर? सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है। दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना बेटा ये सभी। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग से हमने यही पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या पढ़ना स्टार्ट किया था सर? दैट इज पॉपअप्स रूल पढ़ा था। पॉपअप्स रूल के बाद हमने क्या पढ़ा था कि एल्डिहाइड के अंदर सर कुछ ऐसे होते हैं जो इजिली ऑक्सीडाइज कर देते हैं इवन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक कोलिंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया। ये क्या होते हैं सर? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो किस लिए यूज किए जाते हैं? एल्डिहाइड को और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किए जाते हैं। कि अगर सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सर हम एल्डिहाइड के ऊपर तो कुछ ना कुछ कलर दे देगा, लेकिन कीटोन के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी कलर नहीं देगा। जिसके अंदर सबसे पहला हमने क्या पढ़ा बेटा? टॉलरेंस रिएक्शन टेस्ट पढ़ा। टॉलरेंस रिएक्शन टेस्ट क्या कहता था सर हमें? दैट इज सिल्वर कलर देगा AgNH3OH के साथ। सिल्वर कलर वाले के बाद बेटा हमने क्या पढ़ा? टॉलरेंस रिएजेंट पढ़ लिया सर। उसके बाद फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़ा। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के अंदर सर रोचन सॉल्ट के साथ करा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH अल्कलाइन मीडियम में। तो हमें क्या मिला सर? तब भी हमें कलर मिला था। कौन सा कलर मिला था सर? पॉजिटिव रेड मिला था। अगर पॉजिटिव रेड है मतलब तो हमारे पास अगर रेड आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव है, अगर ब्लू आ रहा है तो क्या था सर? नेगेटिव था। देन बेटा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, यहाँ पे क्या लिया हमने? बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया, दैट इज कॉपर सिट्रेट आयन। कॉपर सिट्रेट आयन लिया सर, क्या हुआ? ऑक्सीडाइज कर दिया, दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि हमें पता है एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया सर किसके अंदर? कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। और साथ में क्या बनाया? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया, दैट इज अ प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का सर? ब्रिक रेड कलर का। क्या कीटोन को कर सकता है? कीटोन को कैसे करेगा सर? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देयरफॉर दीज आर थ्री माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच कन्वर्ट द एल्डिहाइड इनटू अनदर प्रोडक्ट्स एंड गिव द कलर ऑन देयर रिएक्शन। तो ये बेटा तीन टेस्ट थे। जिस चीज को समझ आया जल्दी से यस टाइप करेगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। वो ना कभी नीचे लाइन बना देते कि इतने लाइन तक बोट डूबेगी, इतने लाइन तक बोट डूबेगी, उसके नीचे चलेगी तो बोट डूबेगी करा के उसे कहते हैं। तो वाइट लाइन से नीचे जाए। क्लियर बेटा? समझ आ गया? वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी सर। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रह गया था मैं भी, तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन भी कर लेते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कौन बताएगा मुझे? What do you mean by reduction? Reduction तो हम कराते आ रहे हैं सर, इतने compounds की reduction करा चुके हैं। That is addition of hydrogen. Hydrogen की addition करवाएंगे सर, किसके अंदर करवाएंगे? Aldehyde and ketone के अंदर। जैसा कि आप जानते हो कि aldehyde और ketone के अंदर अगर hydrogen की addition करवा रहे हैं तो क्या बनता है सर? Alcohol बनता है, removal of oxygen. Very good बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं ketone को reduce कर रहा हूँ तो ketone को reduce करने पे product कौन सा मिलेगा बेटा? कीटोन को रिड्यूस करने पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? काफी बार हो चुकी है बेटा ये रिएक्शन। 2 डिग्री अल्कोहल। वेरी गुड बेटा। क्या बनेगा सर हमारे पास? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा।
ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीडाइज रिडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल। मेजर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन बी यूज लाइक NiPt, LiNH4, NaBH4। अच्छा बेटा ये ध्यान से देख लेना, ये क्या होते हैं? फाइन मेटल्स होते हैं सर। क्या होते हैं? फाइन मेटल्स। फाइन मेटल्स और साथ में हमने क्या ले रखे हैं सर? कुछ NaBH4 और LiLH4 सा कुछ ले रखा है। दैट इज नोन एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स एजेंट कौन होता है बेटा? जो दूसरे का काम कराए। दूसरे का क्या काम कराए? जो उसके सामने लिखा हुआ है, मतलब सामने वाले को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस कैसे करेगा सर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा के, और खुद क्या हो जाए बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाए। दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट होगा सर। वेरी गुड बेटा। तो देखो बेटा ध्यान से किस तरीके से रिएक्शन होगी, काफी बार हम कर चुके हैं। आउट ऑफ देम LiLH4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है बेटा? LiLH4 होता है। तो ध्यान से देखो रिएक्शन किस तरीके से करेंगे। ये सर हमारे पास क्या है? CH3CHO है, CH3 C डबल बॉन्ड H। अगर बेटा मैं इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा हूं, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा हूं सर इन प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल, तो बताओ मुझे क्या रिएक्शन होगी बेटा? अच्छा 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 यहाँ पे गलती हो रखी है बेटा। मेजर रिड्यूसिंग एजेंट्स आएगा यहाँ पे। यहाँ लिख तो दिया था मैंने, बताओ बेटा क्या रिएक्शन होगा? सर दैट इज बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है सर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? फाइन मेटल है सर। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड क्या होती है? ब्रेक होती है। पाई बॉन्ड क्या होगी सर? ब्रेक होगी। एक इलेक्ट्रॉन सर इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। ये बेटा क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक हाइड्रोजन का आएगा सर, एक हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर आएगा। दैट इज सिंपली हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो सर यहां से हमारे पास CH3 है सर। CH3 के साथ क्या आएगा? कार्बन आएगा। कार्बन के ऊपर OH आएगा। OH के साथ क्या आएगा सर? OH के साथ हमारे पास क्या आएगा? H आएगा। और नीचे भी क्या आएगा? H आएगा। अच्छा सभी बच्चे मुझे बताएंगे कितना डिग्री अल्कोहल बना, कितना डिग्री अल्कोहल बना बेटा? सो दैट इज OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है सर? एक ही कार्बन से तो कनेक्टेड है। दैट इज नोन एज 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा सर? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसी के अंदर मैं आपसे एक और रिएक्शन पूछूं, देते हैं सर CH3 के साथ सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। आगे क्या है सर? आगे हमारे पास है बेटा CH2 ले लेते हैं सर, साथ में क्या है? CH3 है। तो इसकी क्या करवाएंगे सर? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल, या फिर किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सर? LiLH4 के साथ। दैट इज हाइड्राइड देने में माहिर होता है, हाइड्राइड देने में माहिर होता है। तो सर क्या करेंगे? इसके अंदर से हाइड्राइड निकलेंगे। हाइड्राइड निकलेंगे सर, ये वाली पाई बॉन्ड क्या होगी? ब्रेक होगी सर। इसके ऊपर हाइड्रोजन आए, इसके ऊपर हाइड्रोजन आए सर, ये भी हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम रिएक्शन विल बी दैट ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या होगा सर? CH3 है, CH3 के साथ क्या है सर? कार्बन है। कार्बन के ऊपर क्या आएगा? OH आएगा। OH के साथ यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे हमारे पास CH2 और साथ में क्या है? CH3। जल्दी से बताएंगे कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। वेरी गुड बेटा, कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये रिएक्शन सभी को क्लियर है? सर कोई भी चीज गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, और ठंडी होती है तो कम। सॉलिड का मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है। और सर ये डेंसिटी ऑफ वाटर में सिंपल से 1 सेंटीमीटर के इनवर्स हो गया ग्राम में 1.4 है। डालते हैं एक ग्लास है इनमें। ये क्या कर रहे हो मेरी क्लास में? ये सब चीजें रिडक्शन जो है अच्छा ध्यान से देखना बेटा। नेमिंग रिएक्शन आ रही है। नेमिंग रिएक्शन के अंदर सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन।
क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है सर? इन दिस वी टेक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लेते हैं सर, यू ड्रिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन प्रेजेंस विद HCl आएगा बेटा, और ZN या फिर HG, अमलगम इन HCl, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इज ZN का यूज करते हैं, HG का यूज करते हैं, किसके साथ सर? HCl के साथ, किसके साथ सर? एल्डिहाइड के साथ। तो सर हमारे पास कुछ ऐसा सा है, दैट इज सर कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगी हुई सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा किसके साथ करवा रहे हैं? ZN इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवा रहे हैं। तो कौन बताएगा क्या रिएक्शन होगी? दैट इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। भाई बच्चा बताना चाहेगा, CH3, वेरी गुड बेटा, CH3 बन गया सर। चलो उसका क्या कहते हैं, पल्लवी बेटा, CH3 तो बन गया, साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? दैट इज H2O। That means हमने क्या किया सर, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाला सर, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा, हमने क्या बना लिया? H2O बना लिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन कहाँ से है? अगर हम 2 moles of HCl लेते हैं, तो सर यहाँ पे 2Cl और एक 2 क्या है सर? हमारे पास 2 तो Cl है, ZN के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है सर, ZnCl2 बन सकता है, that is a very important factor। चलो ZnCl2 भी बन गया। हाइड्रोजन कितने आए सर? हाइड्रोजन दो आए बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया? H2O बनाया, पर अभी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो एक ही है, बाकी दो हाइड्रोजन कहाँ से आए सर? दो हाइड्रोजन कहां से है बेटा? रिडक्शंस ऑफ 2HCl, वेरी गुड बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, बिल्कुल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, कितने मोल HCl लेना पड़ेगा? वेरी गुड बेटा, कितने मोल लेना पड़ेगा? 4 moles of HCl with 2 moles of ZN, 4 moles of HCl with 2 moles of ZN, that is sir यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? 2 moles of ZnCl2 बनेगा, साथ में हमारे पास क्या बनेगा सर? H2O बनेगा, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा बेटा? CH3 बनेगा। Is the reaction is clear to all of you? Reaction आ गई है बेटा समझ में? That is known as Clemmensen reduction, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? Clemmensen reduction कहते हैं। Very good बेटा, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सर वुल्फ-किशनर रिडक्शन। वुल्फ-किशनर रिडक्शन क्या होती है सर? वुल्फ-किशनर रिडक्शन होती है बेटा, इन दिस एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन। तो हम ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या है सर? हमारे पास कार्बन है, कार्बन के ऊपर लगी हुई है सर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा हाइड्रोजन के साथ, दैट इज NH2 और NH2, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन कहते हैं। जल्दी से बताओ बेटा कौन सी, क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा चुका हूं ना, हाइड्रा क्या बनाता था? H2O रिमूव हो जाएगा। अरे बेटा ये रिएक्शन मैंने वैसे भी तो कराई थी ना सर, दैट इज यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है सर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा सर? कार्बन की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वेरी गुड बेटा, आया कुछ यार सर? दैट इज यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, एक हाइड्रोजन जाएगा सर, कहाँ से जाएगा? इस वाले कार्बन से, इस वाले नाइट्रोजन से जाएगा, दैट इज सर कार्बन, कार्बन ऊपर क्या आएगा सर? OH आएगा,
OH आएगा सर साथ में क्या है, साथ में हाइड्रोजन आएगा, नीचे क्या आएगा सर, नीचे आएगा बेटा NH और साथ में क्या आएगा NH2 आएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH मिलके क्या बनाएंगे सर, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट इज वाटर। और साथ में हमारे पास क्या बनेगा सर, कार्बन, कार्बन कार्बन क्या बना लेगा सर, डबल बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ बनाएगा सर, नाइट्रोजन के साथ, और साथ में क्या है सर हमारे पास NH2 है, और इस टाइप का हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप का जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राजोन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्राजोन, दैट इज हाइड्राजेंस आर कन्वर्टिंग इनटू हाइड्राजोन। क्या हम ये रिएक्शन पहले कर चुके हैं, क्या ये रिएक्शन पहले कर चुके हैं बेटा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड बेटा, अब क्या होता है सर, फर्दर रिएक्शन कर लेते हैं, दैट इज वुल्फ-फिशर रिडक्शन, इसी को तो कहते हैं ना, हाइड्राजीन टू हाइड्राजोन तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, पर सर इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे हो, वुल्फ-फिशर रिडक्शन क्यों कहते हो, तो वुल्फ-फिशर रिडक्शन क्यों कहते हो सर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। सेकंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन क्या होता है सर, सेकंड स्टेप क्या होता है कि सर हाइड्राजोन जो है उसकी रिएक्शन फर्दर करवाते हैं बेटा किसके साथ, ग्लाइकोल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। ग्लाइकोल इज एन एंजाइम, आप पढ़ा, आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ बेटा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा दूंगा मैं, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोल्स, तो दैट इज हाइड्राजोन्स में से क्या होता है सर, ये जो N2 गैस होती है ना, NN, ये क्या हो जाती है सर, रिमूव हो जाती है, N2 गैस क्या होती है, रिमूव हो जाती है सर, और साथ में हमारे पास क्या बनता है सर, कार्बन था CH3, साथ में एक और कार्बन था, ये जो हाइड्रोजन है सर ये आगे इस कार्बन से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, दैट इज सर क्या बना लेते हैं, मिलके CH3, दैट इज अल्केन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं सर, अल्केन। तो दैट इज ऑल्सो अ रिडक्शन ऑफ aldehydes, दैट इज ऑल्सो अ रिडक्शन ऑफ aldehydes टू हाइड्रोकार्बन, एंड क्लेमेंसन रिडक्शन इज ऑल्सो रिएक्शन ऑफ, सॉरी, रिडक्शन ऑफ aldehyde इनटू हाइड्रोकार्बन, दोनों के अंदर क्या होती है सर, रिडक्शन होती है किसकी सर, aldehyde की, किसके अंदर सर, हाइड्रोकार्बन के अंदर, फर्क सिर्फ इतना है बेटा उसके अंदर हम रिएजन क्या लेते हैं, Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं सर, सबसे पहले हाइड्राजीन लेते हैं, देन ग्लाइकोज इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH लेते हैं, जिसके अंदर से यहाँ पे हमारे पास N2 गैस क्या होती है, रिमूव होती है, जिस जिसको रिएक्शन समझ में आई है जल्दी से गैस एंड करेगा, वेरी गुड बच्चों समझ आ गया, वेरी गुड बेटा। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है सर, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फॉर एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स के लिए किस तरीके से रिएक्शन होती है सर, अच्छा एरोमेटिक कीटोन्स के साथ भी तो रिएक्शन करेगा ना, चलो देखते हैं। एरोमेटिक कीटोन्स का मतलब क्या है सर, हमारे पास क्या है ना, एरोमेटिक का मतलब होता है एक तो बेंजीन रिंग होनी चाहिए, चलो सर ये रही बेंजीन रिंग, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे बेटा इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम हाइड्राजीन के साथ, किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्राजीन के साथ, दैट इज NH2 एंड NH2। तो जल्दी से बताओ बेटा क्या रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी बेटा जल्दी से बताओ, जतिन हाँ सर, दैट इज यहाँ से हमारे पास फिर से क्या होगा सर, यहाँ पे क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, फिर से क्या होगा सर, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, किसके ऊपर होगा सर, कार्बन के ऊपर होगा, दैट इज यहाँ से हमारे पास फिर से H2O क्या होगा, रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा सर, बात नहीं बेटा बुक निकाल लो सर, यहाँ पे हमारे पास H2O रिमूव होगा सर, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है सर, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 है, H2O रिमूव हो चुका है सर, ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये दोनों कहाँ जाएंगे सर, यहाँ पे आ जाएंगे, और साथ में हमारे पास क्या होगी, N2 गैस रिलीज होगी, N2 गैस कब रिलीज होगी सर, यहाँ पे जब हम किसका यूज करेंगे बेटा, ग्लाइकोल का यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, दैट इज दोनों स्टेप मैंने एक ही रिएक्शन के अंदर लिख दी है, रिएक्शन समझ आ गई है बेटा सभी को, या फिर दोनों को अलग अलग करके लिखो,
आ गया बेटा समझ? वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन टू पिनाकोल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिडक्शन टू पिनाकोल काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इसमें क्या करवाते हैं सर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन की रिएक्शन करवाते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन की रिएक्शन करवाते हैं सर। किसके साथ करवाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। किसके साथ सर? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। अच्छा सर कैसे होता है? तो टू मोल्स ऑफ एसीटोन है सर, दैट इज CH3। CH3 के साथ क्या होगा सर? कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, साथ में हमारे पास क्या होगा सर? एक और CH3 होगा। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, CH3 है, CH3 के साथ सर कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में क्या है सर? CH3 है। दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल। तो सर फाइन मेटल अपना काम दिखाएगा, अपना काम दिखाएगा, कौन सा काम दिखाएगा कि सर फाइन मेटल्स की ब्रेकिंग होगी। फाइन मेटल्स कहाँ कहाँ है सर? फाइन मेटल्स बेटा एक तो ये रे और एक ये रे। तो सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी सर, हाइड्रोजन आ गई, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे अटैच हो जाएगी सर, यहाँ पे भी क्या आ गई? हाइड्रोजन आ गई। पर इसकी एक वैलेंसी अभी खाली हो चुकी है और इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो चुकी है। ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं सर? कंबाइन कर जाते हैं। देखिए सर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है सर? OH है, OH है सर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी कार्बन है और नीचे भी क्या है सर? नीचे भी हमारे पास कार्बन है। अच्छा सर सारी तरफ कार्बन है, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है, इसकी भी एक वैलेंसी खाली है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? कंबाइन हो जाते हैं। दोनों क्या आते हैं सर? हमारे पास OH ग्रुप आते हैं। नीचे क्या है सर? नीचे हमारे पास कार्बन, इधर भी क्या है सर? इधर भी हमारे पास कार्बन है। ये जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? पिनाकोल कहते हैं सर। क्या कहते हैं? पिनाकोल। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। जिस जिसको समझ आई है बेटा जल्दी से यस टाइप करेगा। वेरी गुड बच्चों, चलो बेटा आज की क्लास रखेंगे यहीं तक। बाय, थैंक यू।